हेलो, नमस्ते। गामर जोबा का मतलब होता है हेलो। अब जो लोग जानते हैं, जो मेरे साथ है या फिर जो यहाँ पे रहते हैं, वो तो सब समझ चुके हैं कि गामर जोबा का मतलब क्या होता है। पर जो नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि गामर जोबा का मतलब होता है हेलो। और मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मैं अभी प्रेजेंट में जॉर्जिया की कैपिटल है तिबलिसी, वहाँ पर रहता हूँ। और मैं एक 5th ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है ना, तो उसमें गामर जोबा को हेलो बोलते हैं। अब यहाँ पे रहते हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ की लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना। तो आज आप सबको लेके चलते हैं थोड़ा बाहर घुमाने के लिए। सही देखा जाए ना, तो यहाँ के मेट्रो और इंडिया के मेट्रो में रात दिन का फर्क है। अरे इतनी आवाज़ करती है ना, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ चुभती है ना, वो आवाज़ ही होती है। दादी अम्मा जा रही है। टर्नल इतने नीचे है ना कि आदमी को पता ही नहीं चले कि वापस भी आएगा नहीं आए अंदर से, इतना नीचे बना रखा है। मैं कोई इसमें कोई बुराई नहीं कर रहा यहाँ की गवर्नमेंट की या कुछ भी, पर मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया के कंपेरिजन में थोड़ा सा वीक है सिस्टम। ये देख रहे हो तुम, ये वोल्ट वाली टीम है सारी। ये मॉल के अंदर से जो भी कोई खाने की KFC मैकडोनाल्ड्स कुछ भी है तो वहाँ से ऑर्डर पिकअप करते हैं, और जिसको भी जो चीज़ होता है उनको डिलीवरी करते हैं। तिबलिसी घूमने के लिए काफ़ी सही जगह है वैसे। इतने दिनों से तो क्या कोरोना था ना, तो उस वजह से यहाँ पे कोई टूरिस्ट वगैरह कोई भी नहीं आ पा रहे थे। अब यहाँ पे सभी सारी गाइडलाइंस वगैरह सब चीज़ें हटा दी है, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं इस बार। हाँ, ज़्यादातर यहाँ पे टूरिस्ट होते हैं सऊदी अरबिया से आते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रखे हैं इस बार। माहौल पूरा जगमगा रहा है साहब। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी है जो मैंने खुद ने नहीं देखी। मुझे खुद को यहाँ पे 4-5 साल हो चुके हैं। काफ़ी बढ़िया जगह है घूमने की, काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है जो अपन को चाहिए, वो तो और भी ज़्यादा अच्छी है। वही जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तुम सब समझ रहे हो, मुझे पता है। सारे एडवांस हो। वो तुम देख पा रहे हो, ये वाली बसें हैं ग्रीन कलर की। और तुम्हें एक बात और बताओ राज की, यहाँ पे है ना इतने तो इंसान नहीं होंगे जितने यहाँ पे गाड़ियाँ हैं। तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें सब इतनी चीज़ें बता देगा, तुम्हें गूगल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पता नहीं भगवान जाने क्या बना रखा है इन्होंने खंडर टाइप। चला चलने का ही मन नहीं करता इसमें, पर मेन बात क्या है ना कि वो रास्ता भी तो नहीं है चलने का, इसलिए इसी में से चलना पड़ रहा है। अब जब इतनी बातें कर ही दी है, तो तुम पीछे देख पा रहे हो ये रेड कलर में जो बने हुए हैं, इनका मतलब होता है कि यहाँ पे जो सबसे पहली बात करेंसी की बात करते हैं अपन, तो करेंसी इंडिया के तुम्हारे पास अगर 25 रुपीज़ है, तो यहाँ पे यहाँ की करेंसी में वो 1 लारी बनती है। तो अगर तुम इंडिया से $100 का अगर INR मंगवाते हो यहाँ पे, तो तुम्हें 301 लारी मिलती है। तो काफ़ी सफिशियंट है वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हाँ, इंडिया के कंपेरिजन में महंगा इसलिए है क्योंकि अपन वहाँ पे INR में कमाते हैं, और यहाँ पे अगर तुम लारी या डॉलर में खर्च करते हो तो वो तुम्हें ज़्यादा महंगा पड़ता है। सही बात है। भूख लग रही है यार ज़ोर से, समझ नहीं आ रहा खाओ क्या। खाएंगे कुछ ना कुछ, पर कुछ आए तो सही पहले। चलो वेट करते हैं और तो जाइए। यहाँ पे है तो सही दुकान है, पर यहाँ पे तो अलग ही सिस्टम है पूरा। ये देख रहे हो तुम गाड़ी, ये लैंड क्रूजर है। ठीक है, इंडिया में तो मुझे नहीं पता कितने की आती है कितने की नहीं आती, पर जो मेरे साथ मेरा भाई रहता है ना, वो सब जानता है गाड़ियों के बारे में, XYZ वो सब बता देगा आपको। कुछ जानना हो तो बता देना। क्या है भाई, कसिनो कमाओ और उड़ाओ। अब कमा के तो कोई जाता नहीं है यहाँ से, उड़ा के ही जाते हैं सर। बताओ है ना एक नंबर। तो मैं इस दिन दिया काम दे दिया, डिस्काउंट दिया रहा भी डिस्काउंट।
सही बताए ना, तो तिब्लिसी में सबसे शांत और सबसे अच्छी और सबसे प्यारी जगह यही लगती है मुझे तो, इतना सुकून मिलता है ना, काफी अच्छी। देखो माहौल प्रपोज चल रहा है भाई का। भगवान इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। सेन बोलो इस तिब्लिसिया सेन इस बात में या अलिनिनो so is peacock peacock मुझे कुछ ज़्यादा जॉर्जियन तो नहीं आती यहाँ की लोकल लैंग्वेज, पर इतना जरूर है कि अपना काम चल जाता है आराम से, इतना आता है, समझते हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे, सबसे बड़ी बात तो क्या, मौसम का पता नहीं लगता। दो दिन तो धूप निकलती है, तीसरे दिन वही बरसात आ जाती है। आदमी कंफ्यूज करे तो करे क्या। मैंने तो खुद ने सही बताया ना, कोट को अंदर रख दिया था धोधुआ के, अरे कि यार अब तो गर्मी आ चुकी है, अब ज़रूरत नहीं है उसकी, तो वापस निकालना पड़ा। ये जो तुम पीछे भीड़ देख रहे हो, ये एक यहाँ से केबल कार जाती है उसके लिए है, यहाँ से उसकी एंट्री होती है। मैं इस बीच से कार तो ली छोटा छोटा आई सिखो ना इत गसेर ने बाको मार्क सोर्ट ना नाविद नाविद बोट ट्रिप खो खो इस राम दिन ला रही है सर იცი როგორ 50 ღის ერთი ერთი ბიჭი ხო ნუ 40 შეიძლება დისკაუნტ 40 40 ხო bar free coffee tea wine georgia vodka chacha ხო იცი free რამდენიც გინდა დალიე მუსიკა იქნება ესა bluetooth on-ზე bot english music georgia music very very good सुन एस मेस ओत की बिचिया को ए सामी एस मोदिया आ मोदिया हां सो इस राम दिन ही डिस्काउंट किया है इसे ओके मशीन तू सामी मोदिया खो मशीन सेर्टिलारी ओके सेर्टि एर टी बिची 30 लारी सेट खो। पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब तुम कहीं बाहर आते हो ना तो तुम्हें नए नए इंसान मिलते हैं, नए नए इंसानों से बातें होती है, तो थोड़ा क्या अच्छा फील होता है। इसीलिए ना हर इंसान को निकलना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए सब जगह को, सब चीज़ों को। मेरा तो यही है, मैं खुद भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं बाहर आता हूँ तो। ऐसे गोगो एस बीचेस आर वी सी कार्टूली एस एक्शन वी सी एस छोटा छोटा भी सेन एस वी सी छोटा छोटा इस कार भी है क्या वहाँ कोई या एस आर वी सी एस दीदी कार दीदी इंग्लिश सूरी एस मैं एस स्टूडेंट या से मैं एस वी सी एस इंग्लिश सेन एस कार तो ले सेन एस वी सी छोटा छोटा इंग्लिश सूरी मैं छोटा छोटा वी सी कार तो नहीं सेन छोटा छोटा वी सी इंग्लिश सूरी इस कार दिया को बात तो बजना वो बंदर बैठा। मौसम काफी प्यारा हो चुका है, लगता है बारिश आने वाली संभावना है, थोड़ी ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। जब ही तुम्हें बोल रहा था कि बाहर आना चाहिए, अब इतना अच्छा फील हो रहा है ना यहाँ पे आके, थोड़ा मतलब कि दुनियादारी से थोड़ा दूर आ चुके हैं सब चीज़ों से, ऐसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब तो डेली आऊँगा। ये समझ में नहीं आता नदी है या नाला है, अगर नदी होती तो इतना गंदा पानी नहीं होता, और नाला होता तो तिब्लिसी के बीच में क्या कर रहा है। अरे ये जो पीछे इन्होंने ये पैरट और ये मंकी बैठाए हुआ है, इनके सब पैसे चार्ज करते हैं, इनका फिक्स पैसा है, पता नहीं कितना पैसा लेते हैं, 10 लारी अप्रोक्स है, उतना पैसा चार्ज करते हैं। अब चलते हैं, अब बारिश आ चुकी है, और थोड़ा ज़ोर से आ जाएगी तो उसके बाद में फिर परेशानी हो जाएगी, फंस जाएंगे यहाँ पे, उससे अच्छा टाइम रहते हुए निकल लेते हैं यहाँ से, और भूख भी लगी हुई है तो थोड़ा कुछ खा भी लूँगा बाद में रास्ते में। ठीक है गाइस, तो मेरे ब्लॉग को देखने के लिए सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।